नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। नॉर्मली हम सबको यही मालूम है कि रशिया और यूएस के बीच में संबंध खराब हैं। जहां पे बात किया जाए यूएस के बारे में, तो यूएस हर उस देश को या ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है जिनके संबंध रशिया के साथ अच्छे नहीं है, और ऐसा ही कुछ काम रशिया भी करता है यूएस के साथ। लेकिन ठीक इसके विपरीत जहां तक बात किया जाए व्यापार के बारे में, तो रशियन इकॉनमी और यूएस इकॉनमी दोनों एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हाईली डिपेंडेंट है। साथ में रशिया और यूएस ये भी एंश्योर करते हैं कि इनके बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल हर वक्त ओपन रहे, ताकि एक सर्टन लिमिट के बाद एस्केलेशन ना बढ़े। इसी बीच साल 1991 के बाद रशिया और यूएस के बीच में अब तक का सबसे बड़ा प्रिजनर स्वैप्स हुआ। अब इसका मतलब क्या होता है? तो दिसंबर 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, जिसके बाद 15 नए देशों का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ ये भी क्लेम किया जाना शुरू हो गया था कि कोल्ड वॉर का खात्मा हो गया। कोल्ड वॉर क्या होता है? तो ये एक सिचुएशन था जहां पे यूएसएसआर और रशिया दोनों एक दूसरे के ऊपर नजर रखते थे, और यूएस भी ये कोशिश करता था कि अलग अलग देशों को अपने साथ जोड़े, अपने कैपिटलिस्ट माइंडसेट का इस्तेमाल करे और उस देश को एज एन कैपिटलिस्ट कंट्री बनाए। ऐसे ही कुछ विचार यूएसएसआर का भी था, जहां पे वो अपने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करता था और अलग अलग देशों को कम्युनिस्ट बनाने का कोशिश करता था। इसी बीच जासूसी करना या करवाना ये बहुत ही पुरानी परंपरा है, जहां पे आपके पास जितना अधिक जानकारी रहता है अपने दुश्मन देश का, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होता है। लेकिन जैसे ही रशिया का फॉर्मेशन होता है और ठीक कुछ सालों के बाद दोबारा से यूएसए और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर जैसा सिचुएशन शुरू हो जाता है, जहां पे रशिया भी बढ़ चढ़कर जासूसी करवाता है यूएस में और यूएस भी कुछ ऐसा ही करता है। तो इसी बीच क्या होता है कि सपोज दैट अगर यूएस कुछ एजेंट्स को रशिया भेज रहा जासूसी करने या करवाने के लिए, तो किसी तरीके से अगर रशिया को इसके बारे में मालूम पड़ जाता है तो रशियन गवर्नमेंट इसको अरेस्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर कुछ एजेंट्स को रशिया भेजता है यूएस में और अगर यूएस गवर्नमेंट को इसके बारे में मालूम पड़ जाता है, तो यूएसए इसको अरेस्ट कर लेता है। जहां पे रशिया ये बोलेगा कि जिस तरीके से उनके सिटीजंस को अरेस्ट कर लिया गया, ये कंप्लीट तरीके से गलत है, और ऐसा ही कुछ क्लेम करेगा यूएसए भी। इसी बीच कुछ ऐसे सिचुएशन डेवलप होते हैं जहां पे दोनों देश ये सोचता है कि हम कुछ लोगों को हम छोड़ते हैं, कुछ लोगों को आप छोड़ें। इसी दौरान क्या होता है कि एज पर मीडिया रिपोर्ट 24 से लेकर 26 लोगों को छोड़ा जाता है, जहां पे 16 लोगों को छोड़ा जाता है रशिया के द्वारा और कुछ 8 से 10 छोड़ा जाता है यूएस के द्वारा। जहां पे कुछ ऐसे एक्सचेंज हुए हैं जिसके बारे में दोनों देश काफी डेस्परेट। इनका नाम वदीम क्रासिकोव है और ये नवेलनी है। इनके बारे में तो मैं मान के चलता हूं कि ऑलमोस्ट हम सभी को पता है, जिनका इसी साल के फरवरी के महीने में रशियन जेल में मौत हो जाती है, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ रशिया के द्वारा ये कहा जाता है कि ये जेल के अंदर ही अपने मॉर्निंग वॉक पे थे, जहां पे इनका अचानक से तबीयत खराब होता है और इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पे इनकी मौत हो जाती है। और जहां तक बात किया जाए वदीम के बारे में, तो 2019 में ये जर्मनी में थे, जहां पे ये चेचिन के एक लीडर थे, उनका मर्डर हो जाता है और उस मर्डर में इनका डायरेक्ट कनेक्शन था, तो गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी इनको अरेस्ट कर लेते हैं। तो जब रशिया और यूएस के बीच में अभी नेगोशिएशन चल रहा था, तो इस दो नाम के ऊपर सबसे अधिक डिस्कशंस हुए थे, और ये डिस्कशन तब हुए थे जब नवेलनी जिंदा थे। तो कहने का मतलब है कि व्लादिमीर पुतिन किसी भी तरीके से चाहते थे कि वदीम को वो वापस रशिया बुलाए। वहीं पे बात किया जाए नवेलनी के बारे में, तो यूएस किसी भी तरीके से इसको रशियन जेल से छुड़ाना चाहता था और वापस यूएस बुलाना चाहता था। एक टाइम ऐसा आ गया था जहां पे नवेलनी डायरेक्टली क्रिटिसाइज करते थे व्लादिमीर पुतिन को, और इनके बारे में ये कहा जाना शुरू हो गया था कि ये सबसे बड़े क्रिटिक हैं, और साथ में ये भी बढ़ चढ़कर क्लेम हो रहे थे कि इनको यूएसए और भी अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज फंड कर रहे थे। तो जो बॉटम लाइन है कहने का, वो ये है कि जो नवेलनी का मौत होता है वो कोई अचानक से नहीं होता है, बल्कि इस पूरे प्रिजनर स्वैप का जो प्रोसेस था उस दौरान होता है। तो जो चीज हमें जितना सिंपल लगता है ऊपर से, उतना वो होता नहीं है। साथ में अगर बात किया जाए तो ये प्रिजनर स्वैप कितना इंपॉर्टेंट था, इसका अंदाजा आप इसी चीज से लगाइए कि जो 16 प्रिजनर्स को रशिया के द्वारा छोड़ा गया था, वो जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो उनको प्रॉपर रिसीव करने के लिए जो बाइडेन आते हैं और साथ में कमला हैरिस भी आती है, जहां पे जो बाइडेन प्रेसिडेंट है और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है। और ऐसा ही जब 8 से 10 लोगों को छोड़ा जाता है यूएस के द्वारा, तो उनको रिसीव करने के लिए व्लादिमीर पुतिन आते हैं। तो यहां पे एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देने का प्रयास किया गया था यूएसए और रशिया के द्वारा, वो ये था कि उनको अपने सिटीजन से कितना प्यार है और वो किसी भी तरीके से अपने सिटीजन को दूसरे देश में नहीं
नहीं छोड़ना चाहते हैं, खास करके दुश्मन देश में, क्योंकि अभी यूएस में चुनाव होने वाले हैं। इसलिए जब ये प्रिजनर स्वैप होता है तो जो बाइडेन का स्टेटमेंट आता है जहां पे वो ये कहते हैं कि यूएसए किसी भी तरीके से अपने लोगों को रशियन जेल में नहीं छोड़ेगा, और अगर किसी भी तरीके से वो रशियन जेल में रहते हैं तो ये यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको वापस यूएस लाया जाए। इस पूरे प्रिजनर स्वैप के प्रोसेस में कुछ देशों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था, उसमें से एक देश था जर्मनी। और जहां तक बात किया जाए कि 8 से 10 रशियंस जो बंद थे, उसमें से कुछ रशियंस जर्मनी के जेल में भी बंद थे, जिसको कि जर्मनी से एक्सट्राडाइट करके यूएस लाया जाता है, उसके बाद इस पूरे प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि लमसम इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 2 साल से अधिक का वक्त लग गया। इसी बीच जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ना ही तो रशियन मीडिया इसके बारे में कुछ बहुत बढ़ चढ़कर छापे हैं, ना ही तो यूएस या जर्मन मीडिया, और साथ में यूएसए और रशिया दोनों ये मेक श्योर किए हैं कि किसी भी तरीके से इस पूरे दौरान जो बातचीत है वो ना टूटे। लेकिन जब नवेलनी का रशियन प्रिजन में जब असैसिनेशन हो जाता है तो ये प्रोसेस भले कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद रशिया और यूएस दोनों इंटरेस्टेड थे अपने अपने लोगों को छुड़ाने की। ये CNN का आर्टिकल है जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके वहां पे इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। इसी बीच नॉर्मली हम ये भी सुनते हैं कि कुछ साइबर फ्रॉड हो गया यूएसए में, जहां पे किसी बैंक का या किसी कंपनी का सर्वर को हैक कर लिया गया। तो नॉर्मली ये सब जो अटेम्प्ट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं। इसी प्रोसेस में बहुत बार ऐसा भी होता है कि बैंक का सर्वर को हैक कर लिया जाता है और वहां से पैसे निकाल लिए जाते हैं, या ऐसा भी होता है कि जो यूएस के स्टॉक एक्सचेंज वगैरह है या जो रशियन स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे किसी भी तरीके से जो मार्केट है उसको डिस्टर्ब किया जाए और उस देश के बारे में एक नेगेटिव विचार फैलाया जाए। इसी बीच नॉर्मली हमें ये लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग ये एक इलीगल एक्टिविटीज है और देश इसको प्रमोट नहीं करते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि आज के डेट में यूएसए हो गया या चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये सभी देश बढ़ चढ़कर मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, लेकिन दूसरे के देश में, और वैसे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिनके संबंध उस देश के साथ अच्छे ना हो, वहीं पे उनको बढ़ चढ़कर फंड्स दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और किसी भी तरीके से कोशिश किया जाता है कि उस देश को इंटरनली डिस्टर्ब किया जाए। चाहे हम बात कर लें भारत के बारे में या दुनिया के और भी किसी देश के बारे में, वो देश को सबसे अधिक जो खतरा होता है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस से होता है, ना कि उसको एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से होता है। और जब भी किसी देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस बढ़ता है तो जो बाहरी ताकतें होती है उनको एक काफी अच्छा मौका मिलता है जहां पे वो आपके देश में घुसता है और किसी भी तरीके से आपके देश का एटमॉस्फेयर को खराब करता है। उससे क्या होता है कि सीधा इंपैक्ट आपके देश के इकोनॉमी पे पड़ता है, और अगर किसी भी तरीके से किसी भी देश का अगर इकोनॉमी कोलैप्स करता है तो उस देश को कोलैप्स होने में बहुत वक्त नहीं लगता है। इसी बीच अगर हम इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही आराम से समझना चाहें तो ये वही यूएसए है जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा रशिया के खिलाफ, लेकिन जब बात हुआ रशिया से डायरेक्टली डील करने का तो डायलॉग और डिप्लोमेसी का सहारा लिया गया, ना कि वॉर का। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।